Good morning class, this is our new anaphysio class in which today we will study about the remaining portion of the topic spermatogenesis. Today we will study about the spermatocytogenesis. देखिए स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस अब अपन पढ़ लेते हैं कि भाई कैसे स्पर्मैटिड्स जो हैं वो बन रहे हैं. तो क्योंकि हमने कहा कि जो स्पर्म्स बनते हैं, जो गैमेट्स बनते हैं, वो मियोसिस डिवीज़न से बनते हैं. तो मियोसिस डिवीज़न की जो फेजेस होती है, मियोसिस भाई दो होते हैं, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड. तो सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट, हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में जो प्रोसेस होता है वो होता है मियोसिस फर्स्ट, उसको हम पढ़ रहे हैं. मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज वन जो स्टेज होती है उसमें क्रोमोसोमल सेगमेंट्स की पेयरिंग और क्रॉसिंग ओवर होता है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है. प्रोफेज फर्स्ट में पेयरिंग और क्रॉसिंग ओवर होगा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का. इसके बाद आएगी मेटाफेज फर्स्ट स्टेज, जिसमें होमोलोगस पेयर्स जो हैं वो इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे. ये पूरा प्रोसेस वैसा ही है जैसा आपने माइटोसिस पढ़ा हुआ है. थर्ड है एनाफेज फर्स्ट, इसमें होमोलोगस पेयर्स जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे. फिर टीलोफेज फर्स्ट जो मियोसिस फर्स्ट के एंड में आती है, जिसमें दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, हर एक में 23 डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स या वाई सेक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट्री के साथ में, या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या फिर वाई क्रोमोसोम होगा. अब इस मियोसिस सेकंड पे आ जाइए. मियोसिस फर्स्ट हो गया कंप्लीट. मियोसिस सेकंड जो है इमीडिएटली होता है बिना डीएनए रेप्लिकेशन के, क्योंकि रेप्लिकेशन में तो फिर डबल हो जाएगा ना, नंबर डबल तो करना ही नहीं है. इसमें केवल 23 डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं. दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्विकली मियोसिस सेकंड में चले जाएंगे, जिसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएंगे मेटाफेज टू में. ये फेज मियोसिस सेकंड की फेज जब एंड होती है तो उसके बाद चार स्पर्मेटिड्स बनते हैं, जिनमें 23 सिंगल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी वन एंड डीएनए होता है. दो स्पर्मेटिड्स में एक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट होगा और दो स्पर्मेटिड्स में वाई क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट होगा. ये स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जैसा अपन ने स्टेप्स में पढ़ा कि ये कंटिन्यू करती है. स्पर्मेटोसाइट्स में प्रोग्रेसिवली बेसमेंट मेम्ब्रेन से मूव करते हैं ल्यूमिनल साइट पर, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की ल्यूमिनल साइट पर चले जाते हैं स्पर्मेटोसाइट्स. स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान टेस्टिस की बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की ल्यूमिनल साइट पर चले जाएंगे. सर्टोली सेल्स जो है अब इन्हें स्पर्मेटोसाइट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी और सपोर्ट देगी ताकि स्पर्मेटोसाइट्स अच्छे से डेवलप हो सके. तो ये देखिए इस पिक्चर के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की ल्यूमन दिखाई गई है, जिसमें नीचे बेसमेंट कंपार्टमेंट है, ऊपर एपिकल कंपार्टमेंट है. यहाँ नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी हुई है, इसके ऊपर आपको स्पर्मेटोगोनिया दिखाई दे रहे हैं, मायोइड सेल्स दिखाई दे रही हैं. इन सेल्स में आपको न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस दिखाई दे रही है, ये सर्टोली सेल्स के अंदर आसपास सर्टोली सेल्स है. बीच में स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रही है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, फिर उनसे स्पर्मेटिड्स, चार स्पर्मेटिड्स एक स्पर्मेटोगोनिया से बनता हुआ दिखाए गए हैं. कितना अच्छा सा पिक्चर है ये. अब स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस में जाते हैं, पर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से ही चिपके हुए रहते हैं. ये सारे स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं वो सब के सब एक साथ सेम स्टेज में नहीं होते, डेवलपमेंटल के सेम स्टेज में नहीं होते. सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में अलग अलग स्टेजेस इनकी चल रही होती है. यहाँ इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं, हालांकि इस पिक्चर अपन बार बार देख चुके हैं ऑलरेडी. मैं बता चुकी हूँ आपको इसके में टाइप A1 स्पर्मेटोगोनिया, फिर टाइप A2 स्पर्मेटोगोनिया, A3 स्पर्मेटोगोनिया, A4 स्पर्मेटोगोनिया, ये तो डिवीज़न वगैरह माइटोसिस चल रहा था, फिर इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया, फिर टाइप B स्पर्मेटोगोनिया बना है. अब यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न चलेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, और ये सारी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर देखो बीच में जो है आपको साइटोप्लाज्मिक ब्रिज दिखाई दे रहा है. फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा, जिसमें सेकेंड मियोटिक डिवीज़न चलेगा, फिर इसमें स्पर्मेटिड्स बनेंगे और उनसे रेजिडुअल बॉडी अलग हो जाएगी, स्पर्म सेल्स अलग हो जाएंगे.
ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखाई दे रही है। तो बड़ी खूबसूरत सी देखो टेस्टिस के ये एपिडिडाइमस ये वासा डिफरेंस में खुलती हुई बताई गई है। फिर इसका हम कट सेक्शन करके देख रहे हैं तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स रेजिडुअल बॉडी स्पर्मैटिड्स आपको इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमन में दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खूबसूरत सा पिक्चर है देखो, समझने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, आप अच्छे समझ सकते हैं इसे। अब स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हो गया, उससे पहले वाले जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसके अंदर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, यहाँ स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कैसे चलता है। अब स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्म कैसे बनेंगे, तो देखिए स्पर्मैटिड्स यानी स्पर्म ये राउंडेड सेल्स होती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो गैमेट्स बनते हैं उनको हम स्पर्मैटिड्स कहते हैं। ये मॉडिफाई होकर के स्पेसिफिक शेप ले लेते हैं स्पर्म की, जैसे आपको इस नीचे डायग्राम में दिख रही है स्पर्म की स्पेसिफिक शेप। ये एलोंगेट होते हैं, रीऑर्गेनाइज होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में और एक पर्टिकुलर शेप जो है वो ले लेते हैं। ये डायग्राम वापस से बड़ा करके पिक्चर को देखते हैं, नीचे से देखना स्टार्ट करिए, स्पर्मेटोगोनिया है, फिर ये आगे जब इनका डेवलपमेंट हो रहा है तो टाइट जंक्शन बनता है इनके बीच में के स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देन स्पर्मैटिड्स, उसके आसपास सर्टोली सेल्स और ये स्पर्मेटोजून यानी स्पर्मैटिड्स बन गए कहाँ पे, सेमी फेस्टिवल्स के ल्यूमन के अंदर। अभी जो स्पर्मैटिड्स बने ये इसका डायग्राम है, बेचारी की पिक्चर है अच्छी सी के आपको हेड दिखाई दे रहा है, हेड के अंदर न्यूक्लियस है और उसके ऊपर कैप लगी हुई जिसको एक्रोसोम कहते हैं। ये मिडल पीस है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह रहते हैं, फिर ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स टेल के अंदर, फिर ये थोड़ा सा और हेड बड़ा करके बताया गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्लियर दिखाई गई है, न्यूक्लियस क्लियर दिखाया गया, एक्रोसोमल कैप रेड कलर की दिखाई गई है, ये सेंट्रियोल दिखाया गया है नेक में और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके पीछे अरेंज हैं। अब जो चेंजेस आ रहे होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान, तो देखिए पिक्चर में देखते जाइए, सारे के सारे पिक्चर में चीज़ें बताई गई और यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। गोल्जी एपरेटस जो है वो एक्रोसोमल कैप बनाता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के, एक्रोसोमल कैप, न्यूक्लियस इसमें कंडेंस हो जाता है, सेंट्रियोल्स कोलर बनाते हैं नेक के चारों तरफ, माइक्रोट्यूबुल्स फ्लैजिलम बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया स्पायरल राउंड नेक में अरेंज रहते हैं, एक्सेसिव साइटोप्लाज्म जो है वो रेजिडुअल बॉडी के रूप में कास्ट ऑफ होता रहता है, और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जो है वो टूटता है, स्पर्म रिलीज होते हैं सर्टोली सेल से और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में एकदम उसके ल्यूमन में, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के ल्यूमन में एकदम फ्री घूमते रहते हैं। तो डायग्राम में देखो गोल्जी एपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल दिखाया गया है फर्स्ट टू डायग्राम्स में, और सेंटर में न्यूक्लियस दिखाया गया है, फिर एक्रोसोमल वेसिकल देखो कैसे बन रही है ना कैप बन रही, कितनी अच्छी बताई गई है, माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाए गए हैं वो भी इलॉन्गेटेड हो गए, ये सेंट्रियोल भी एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस तो पहले भी खैर क्लियर ही था और ये एक्रोसोमल कैप बन गई है, फिर ये एक्रोसोम कैप और डेवलप होती जा रही है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ और ये फ्लैजिला जो है वो डेवलप हो रहा है लंबा और लंबा खींच गया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ अरेंज हो गए हैं। अब नेक्स्ट डायग्राम में माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से अरेंज हो गए हैं इस फ्लैजिलम के दोनों साइड, साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट्स आ गई हैं और ये एक्रोसोमल कैप एकदम अच्छे से बड़ी सी क्लियर बन गई और फाइनली ये जो स्पर्म है वो बन गया। स्पर्म की एनाटॉमी देखिए, एनाटॉमी में हमारे को बताना है हेड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है, उसके नीचे सेंट्रियोल नेक रीजन के अंदर और टर्मिनल डिस्क नीचे, और उसके दो जो ये पूरी लाइन चल रही है उसके दोनों साइड माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाना है, ये मिड कनेक्टिंग पीस है और ये एक्सियल फिलामेंट टेल का लास्ट में एंड पीस है। हम इसके हेड को बड़ा करके देखते हैं तो आपको पैरी एक्रोसोमल स्पेस दिख रहा है एक्रोसोम कैप के बीच में, सेल मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, न्यूक्लियर वैक्यूल्स, न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, पोस्ट एक्रोसोमल रीजन दिखाई दे रहा है, सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है, ये पोस्ट एक्रोसोमल शीथ है, पोस्टीरियर रिंग है, कनेक्टिंग पीस है, माइटोकॉन्ड्रिया शीथ और आउटर डेंस फाइबर दिखाया गया है, ये एक्सोनिम है जिसका फ्रंट व्यू है, दूसरी साइड साइड व्यू दिखाया गया है जिसमें इक्वेटोरियल सेगमेंट भी दिख रहा है आपको, ये स्पर्मियोजेनेसिस में मैच्योर स्पर्म में हेड नेक और टेल होती है,
जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की ल्यूमन से बन रहा है ये स्पर्म और एंटर कर रहा है एपिडिडाइमस की डक्ट में। इस प्रोसेस में 20 दिन लग जाते हैं इस ट्रैवलिंग में, 4 से 6 मीटर लॉन्ग टॉर्टस डक्ट के अंदर मूव करने में इसको 20 दिन लग जाते हैं। अगर इजैक्युलेशन नहीं हो पाता है तो ये स्पर्म वहीं डाई होकर के डीजेनरेट हो जाते हैं। अब क्या होगा भाई, जो स्पर्म बन गए हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म्स का पाथवे देखो, अब इसको रेगुलेट कौन करता है? टेस्टिकुलर फंक्शन को का हार्मोन रेगुलेशन देखिए, एक तो गोनेडोटॉपिन रिलीजिंग हार्मोन और एक FSH-LH का इसमें रोल होता है। GnRH हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, इसका ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी हार्मोन के सीक्रीशन को, एंटीरियर पिट्यूटरी के सीक्रेटरी हार्मोन जो FSH-LH होता है। तो हम क्या कह रहे हैं, पहले हाइपोथैलेमस से GnRH सीक्रेट होगा जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स के सीक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। कौन से हार्मोन? FSH और LH। ये FSH-LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH जो है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है और ये डायरेक्टली टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है। FSH एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है नर्स सेल से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और LH जो है वो इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि टेस्टोस्टेरोन का रिलीज हो सके। अब इस टेस्टिकुलर फंक्शन के फीडबैक इनहिबिशन देखिए, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी रिजल्ट से राइजिंग लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज्ड इनहिबिन। देखो हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हो रहा है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर FSH-LH रिलीज हो रहे हैं जो कि आगे जाकर के टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेंगे और दूसरे टारगेट टिश्यूज़ के ऊपर ये टेस्टोस्टेरोन अपना वर्क दिखाएगा, ये सबस्टैंटिक्युलर सेल्स के ऊपर अपना एक्शन दिखा रहा है। ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो नेगेटिवली इनहिबिट कर देता है एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को, प्लस ये जो टेस्टोस्टेरोन ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के ऊपर एक्ट कर रहा था, ये ABPP रिलीज होता है बाइंडिंग प्रोटीन जो था, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चल रहा है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर और यहाँ से इनहिबिन रिलीज होता है जो भी क्या करता है, इनहिबिट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस वगैरह को जब इसकी ज़रूरत नहीं होती हॉर्मोन्स की और एक्टिवेशन की। बस इसके साथ में ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, खुद से पढ़िए, बुक से पढ़िए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।